दुर्ग जिले में महादेव ऐप से जुड़े सटूरिये इस बार नए साल का जश्न दुबई में मनाने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि महादेव ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर के ने सभी को दुबई आने के लिए आमंत्रित किया है। सटूरियों में हलचल है, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वे बनवाने की जुगाड़ लगा रहे हैं। पूरे मामले को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। जिले से सटूरियों को महादेव किंग के माध्यम से अलर्ट किया गया है कि सभी को एक साथ नहीं आना है, इसलिए सब एक साथ जाने के बजाय अलग अलग जाने की तैयारी में है। जानकारी के अनुसार कुछ लोग दुबई रवाना हो चुके हैं। इधर सटूरियों की दुबई जाने के भनक लगते ही दुर्ग पुलिस अलर्ट हो गई है। पिछले दिनों दुबई से लौटे कई सटूरियों को पुलिस ने पकड़ा था। जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, पर सभी मुचलके पर छूट गए। पुलिस इन पर नजर रखी हुई है। चार इनके मेन लोग हैं जो दुबई से रह के जो सौरभ चंद्राकर, रवि उपल और बाकी लोगों के ऊपर लुकआउट सर्कुलर के लिए हमने भारत सरकार को भेजा है। उसमें कुछ खामियां पाई गई थी तो उसको दोबारा भेजा गया है। इन सभी लोगों के पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट सभी डिटेल्स लिए गए हैं। दुर्ग भिलाई से करीब 200 लड़के भी जो हैं वो इसमें भर्ती होकर कार्यरत हैं। अभी 3 साल पूरा होने पर सितंबर में दुबई में प्रोग्राम किया गया था, जिसमें करीब 100 से ज़्यादा लोग भिलाई से भी अटेंड करने गए थे। उनको 5 लाख का कूपन भी दिया गया था सुनने में आया, जिसमें कि वो मोबाइल खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं। कुछ पुलिस के लोगों के भी दुबई जाने की बात सामने आई है। 16 लोगों को स्क्रीन आउट किया गया है, उनके पासपोर्ट डिटेल्स निकाले जा रहे हैं, जो भी बिना अनुमति के।